दांडिया देखे तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ पे आई हूँ। तो आज मैं फिर एक बार आई हूँ नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आज मैं कहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ मराठी एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा में। तो चलिए देखते हैं यहाँ का इवेंट कैसे रहता है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में भी नवरात्रि की धूम चली है, यहाँ पे भी उसी जोर से, उसी जल्लोश से पूरा नवरात्रि का इवेंट सेलिब्रेट होता है। तो आज यहाँ पे मराठी जो एसोसिएशन है उन्होंने रखा था भोंडला, गरबा और दांडिया, और ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी धूमधाम से सब लोग डांस कर रहे हैं, दांडिया कर रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ शामिल होंगे इस इवेंट में। चलिए जैसे नवरात्रि पूरे भक्ति भाव से भारत में मनाई जाती है, उसी भक्ति भाव से जोश और उत्साह से हम अमेरिका में भी सारे त्यौहार मनाते हैं। तो जैसे गरबा और दांडिया ये नवरात्रि में खेला जाता है, उसी तरह से ये खेल है भोंडला जो महाराष्ट्र में खेला जाता है। गरबा और दांडिया की तरह ही नवरात्रि के नौ रात लड़कियाँ और महिलाएँ ये भोंडला का खेल खेलती है। इसमें हाथी के चित्र की रंगोली या हाथी की मूर्ति सेंटर में रखे उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं और उसके कुछ ट्रेडिशनल गीत होते हैं, वो गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे हाथी जो है वो समृद्धि का और यश का प्रतीक माना जाता है। इसके चारों तरफ गोल घूमकर लड़की और महिलाएं इसकी पूजा और अर्चना करती है। तो भोंडला के इस खेल के बाद होगी आरती, फिर खेला जाएगा गरबा और दांडिया। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। You can give me money.
हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ मराठी एसोसिएशन के कमेटी मेंबर है मृदुला और अमिता। आज हम पूछेंगे एसोसिएशन के बारे में। हेलो मृदुला, हेलो अमिता, मला सांगा तुम्ही म्हणजे मराठी असोसिएशन आहे ते कधी तुम्ही म्हणजे एस्टॅब्लिश झाले? मराठी असोसिएशन मिनेसोटाला सुरू होऊन 34 वर्ष झाले, सो यु नो वी हॅव टू गो दॅट मच बॅक, पण आता ऑलमोस्ट 34 वर्ष झाले। अच्छा, आणि तुम्ही हे सगळे इव्हेंट वगैरे कसे मॅनेज करता? मंडळाचे ना भरपूर इव्हेंट्स असतात, सो वी नॉर्मली स्टार्ट विथ दिवाळी, सो दिवाळीच्या पासून मेंबरशिप सुरू होते आणि मग दिवाळीच्या नंतर मकर संक्रांत, मग गणपती, होळी असते मध्ये, गणपती असतो, म्हणजे खूप सारे इव्हेंट इथे ऑर्गनाईज होतात। आणि तुम्ही हे सगळं कसं ऑर्गनाईज करता, म्हणजे तुम्हाला कसं किती दिवस आधीपासून तुम्ही प्रिपरेशन चालू करताय सगळ्या? साधारणतः 1.5-2 महिन्यापासून प्रिपरेशन चालू होतं। ऍक्च्युली आमची कमिटी असते आणि दर 2 वर्षांनी कमिटी चेंज होते, तर मग ती कमिटी जेव्हा स्थापन होते त्याच वेळेला ते चालू करतात सगळे इव्हेंट्स प्लॅन करायला। आणि मग तसं स्टार्टिंग फ्रॉम दिवाळी, दिवाळी पहिला कार्यक्रम असतो, मग संक्रांत असतो, मग त्याच्यानंतर होळी, यावर्षी आम्ही नवीन होळी पण चालू केलेली आहे, मग वसंत बहार असतो, वसंत बहार नंतर आमची समर पिकनिक असते, पिकनिक नंतर गणपती असतो, गणपती नंतर दांडिया बोंडला असतो, यावर्षी आम्ही कोजागिरी पण केलेली आहे। यावर्षी भरपूर सारे नवीन सण आहे। यावर्षी मेन म्हणजे आम्ही होळी सुरू केली आणि दांडिया बोंडल्या बरोबर कोजागिरी पण सेलिब्रेट करतो, सो त्या 2 नवीन इव्हेंट्स। आणि अप्रॉक्सिमेटली किती मराठी फॅमिलीज आहेत मिनेसोटामध्ये? मिनेसोटामध्ये त्या मनाने भरपूर फॅमिलीज आहेत, पण मराठी मेंबर्स साधारणतः 150 फॅमिलीज आहेत मराठी असोसिएशनमध्ये, ज्या आवर्जून येतात मराठी कार्यक्रमांना। मला ॲक्च्युली तुम्हाला थँक्यू म्हणायचं की तुम्ही एवढा सुंदर इव्हेंट एव्हरी टाईम म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुम्ही ऑर्गनाईज करता, त्यासाठी पहिला मला तुम्हाला थँक्यू म्हणायचं आहे। आणि तुम्ही हे जर सपोज तुम्ही आता काहीतरी नंबर ठरवत असाल की यावर्षी एवढे जण अटेंड करतील, पण कधी कधी तो नंबर वाढतो कारण इथे मराठी नॉन मराठी सगळ्या जातीचे लोक येतात, सो तू ते तुम्ही कसं मॅनेज करता, म्हणजे कसं तुम्ही ठरवता की आपण जर जास्त आलं तर कसं करतो? तर आमचं दर इव्हेंटला RSVP फॉर्म्स असतात आणि मग RSVP प्रमाणे आम्ही थोडं त्याच्यावरती यु नो 30-40 लोक जी यु नो वॉक इन्स असतील आकडा आम्ही गृहीत धरलेला असतो की थोडेसे लोक जास्त येते, सो आम्ही त्या हिशोबाने प्रिपेअर्ड असतो। RSVP आम्हाला नंबर देतं, पण त्या नंबरच्या वरती आम्ही आमचा थोडाफार अंदाज असतो एवढ्या प्रत्येक वर्षी आता बघितलंय त्यामुळे माहिती असतं। दांडियाला आम्हाला माहिती होतं की गेटवरती लोक येणार, सो आम्ही त्याप्रमाणे प्लॅन केला होता। थँक्यू थँक्यू, इव्हेंट असा खूप छान होता आणि थँक्यू तुमच्या वेळेबद्दल। Thank you.
इवेंट के बाद मराठी एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा की तरफ से कुछ प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें थे बेस्ट लिटिल डांसर्स, तो छोटे बच्चों के बेस्ट कॉस्ट्यूम्स, तो इसमें विहान को भी बेस्ट लिटिल डांसर का प्राइज मिला। तो एडल्ट्स में भी जिन्होंने बेस्ट गरबा और डांडिया किया हो और फिर जिनका आउटफिट बहुत सुंदर हो उनको भी प्राइज दिया गया। यहाँ पे एक और प्राइज खास था, वो था बेस्ट कपल का, जिन्होंने पूरे टाइम दांडिया और गरबा किया उनको ये बेस्ट कपल का अवार्ड मिला। तो मराठी एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए इस नवरात्रि इवेंट को अटेंड करके मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने आज बहुत एंजॉय किया। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।